नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। 18 नवंबर गुरुवार के दिन तुला राशि वालों, यह घटनाएं होकर रहेंगी, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि तुला राशि के लोगों के जीवन में बहुत ही बड़ी घटनाएं घटित होने वाली हैं। तुला राशि के लोगों के जीवन में कई प्रकार की पॉजिटिव बातें होंगी, कई प्रकार की अच्छी शुरुआत होंगी। तुला राशि के लोगों के जीवन के सारे दुखों तकलीफों और कष्टों का भी अंत होने वाला है। आप लोगों के जीवन में काफी बड़ी खुशखबरी को पाने का मौका भी मिलेंगे और सारी के सारी आसानी से भी आप लोगों को छुटकारा मिलने वाला है। आपको बताएंगे सारी जानकारी विस्तार से, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि रोजाना राशिफल आपको समय से मिल सके और आप आने वाले दिनों को बेहतर बना सके। मित्रों, आप लोगों का आने वाला समय आनंददायक रहने वाला है। विशेष रूप से जो लोग बिजनेस के क्षेत्र से जुड़े हैं, उनको कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। आपके मन में जो भी परेशानियां थी वह दूर होंगी। छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना पड़ सकता है। शादीशुदा जिंदगी में खुशियों के बाहर आ सकते हैं। आप कुछ जरूरतमंद लोगों की सहायता कर सकते हैं। आप अपने करियर में अच्छी सफलता को हासिल कर सकते हैं। आपको संतान की ओर से कोई शुभ सूचना मिल सकती है। आपको अपनी मेहनत का पूरा फल भी मिलेगा। आपका साहस सौभाग्य दोनों मिलकर आपको कार्य क्षेत्र में सफलता दिलवाएंगे। बड़े बुजुर्गों का सहयोग भी आपको मिल सकता है। परिवार से जुड़े किसी कार्य में आपको थोड़ी सी भाग दौड़ी करनी पड़ सकती है। आप देवी देवताओं की प्रतिमाओं को स्नान कराकर उनकी पूजा पाठ अवश्य करें। आपके सुगम व्यवहार से लोग काफी प्रसन्न होंगे और किसी करीबी व्यक्तियों के साथ आपके रिश्तों में सुधार आ सकता है। आप अपने व्यापार में अचानक से फायदा कर सकते हैं। आमदनी का कोई नया सोर्स मिल सकता है। आपका आत्मविश्वास पहले की अपेक्षा और भी मजबूत होंगे। ऑफिस में आपको अच्छे कामों के लिए बधाई मिल सकती है। आपकी सफलता दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं। आप अपने मत को बिना झिझक के लोगों के सामने रख सकते हैं, जो आपके लिए कारगर साबित होंगे। आपके जीवन की तमाम दुख तकलीफों से आपको छुटकारा प्राप्त हो सकता है। व्यवसाय जातकों के लिए यह समय शुभ रह सकता है। आप बहुत बड़े व्यक्तियों के साथ एक नया सौदा कर सकते हैं। छात्रों को अपने जीवन में खुशहाली का प्राप्ति होंगी। आपने जो भी गलतियां पहले की हैं, उनको सुधार करने की आवश्यकता रह सकती है। जीवन साथी को लेकर आप कहीं बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं। आप अपने बुद्धि, विवेक और अपने कार्य क्षेत्र में सभी प्रकार के दुख तकलीफों को दूर कर सकोगे और भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से आपके जीवन में आपको बड़ा चमत्कार देखने को मिल सकता है। आप अपने भाग्य के बलबूते कई प्रकार के शुभ कार्य को कर सकते हैं। आप लोगों की कुंडली में धनलाभ का प्रबल योग बन रहा है, जिनसे कि आप करोड़ों के मालिक बन सकते हैं। जमीन जायदाद से जुड़े निवेश करने से आपको अच्छा लाभ हो सकता है। घर खरीदने का सपना भी पूरा हो सकता है। आप किसी नए व्यापार के निवेश कर सकते हैं, जिसका आपको अच्छा लाभ अवश्य हासिल होंगे। जो लोग काफी लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे थे, उनको मनचाही नौकरी मिल सकती है। आप अपने मेहनत के बलबूते सफलता को प्राप्त कर सकोगे। कोई पुराना मित्र भी आपको मिल सकता है, जिनसे कि आपकी मुलाकात आपको खुश कर देंगे। आपको नौकरी के क्षेत्र में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। आपको अपने मेहनत के अनुसार सफलता हासिल होंगी। मनोरंजन के कार्य में भी आपकी अधिक रुचि हो सकती है। आर्थिक स्थितियां बेहतर होंगी। भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होंगी। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को बेहतर प्रदर्शन करने के मौके भी प्राप्त होंगे। सफलता के मार्ग भी प्राप्त होंगे। घर परिवार में आपका माहौल खुशनुमा बन सकता है। आप अपने जीवन में कई प्रकार के दुख तकलीफों को दूर कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। आप लोगों को कुछ मामलों में भारी लाभ हो सकते हैं और आप लोगों को सफलता आपका कदम को चूमेंगी। आय के नए साधन प्राप्त होंगे। कारोबार में आपको अपने जीवन साथी या मित्रों से खास मदद मिल सकती है, जिससे कारोबार में कोई बड़ी डील भी मिल सकती है। आप अपने कारोबार में पहले से ज्यादा विस्तार करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही शुभ रह सकता है। मित्रों, भगवान विष्णु जी की कृपा से आपके लिए आने वाला समय बेहद शुभ रहने वाला है। कार्यों में मिली सफलता के कारण आपके उत्साह में वृद्धि होंगी। आर्थिक रूप से आप मजबूत रहेंगे। आपकी आर्थिक स्थितियां काफी अच्छी होंगी और विद्यार्थियों के लिए समय बेहद फलदायी रह सकता है। आपको पैसों से जुड़े कुछ बड़े अवसर मिल सकते हैं और कुछ बड़े रुके हुए कार्य को आप सही समय पर कर सकते हैं, तथा आपके जीवन में सबसे बड़ी खुशखबरी प्राप्त होंगी और अचानक से आपके कुछ बड़े कार्य भी रुके कार्य भी सही समय पर हो सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से आप जो भी अपने कार्य को हाथों में लेंगे, उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होंगी। आप लोगों से अपने कार्य निकलवाने में सफल होंगे। परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। व्यापार व्यवसाय में तेज गति से वृद्धि होंगी। आपकी आर्थिक स्थितियों में सुधार होंगे। वर्षों से रुके हुए काम आसानी से होंगे। विदेशों से कोई सुसमाचार मिल सकता है। दोस्तों की पूरी सहायता मिल सकती है। पिता के सहयोग से आप अपने अधूरे कार्य को पूरा कर सकते हैं। जो लोग प्रेम
प्रसंग में हैं उनके लिए आने वाला समय अच्छा रहेगा। आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है, धन से संबंधित मामले में सफलता मिल सकती है, नौकरी कर रहे लोगों को मुनाफा हो सकता है। आप बिजनेस के क्षेत्र में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही आपके जीवन में धन लाभ का योग बेहद प्रबल है, भगवान शनिदेव का साथ भी प्राप्त होगा, इसलिए लंबे समय से चली आ रही परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। परिवार का साथ मिलेंगे जिनसे आपकी मानसिक उलझने कम होंगी। आप में सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बढ़ सकता है जिनसे आप अपने कार्य को सही ढंग से पूरा करने में सक्षम होंगे। पैसों से संबंधित व्यापार में सफलता मिल सकती है, आपका रुका वजन भी वापस मिल सकता है, लेकिन कहीं भी पैसा लगाने से पहले उस पर विचार विमर्श जरूर कर लें तथा आपके पुराने दोस्तों से मुलाकात होंगी। आप कुछ नए दोस्त बना सकते हैं। आप अपने शत्रुओं से थोड़ा सा सावधान सतर्क होकर रहने की जरूरत रहेगी तथा आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आप लोगों की गरीबी समाप्त हो चुके हैं और अब आप लोग आखिरी इन 3 महीनों में करोड़पति बनने वाले हैं। आपके जीवन में आने वाले सभी प्रकार की परेशानियां और बुरी शक्तियां खत्म होंगी। सुबह उठकर सबसे पहले माता लक्ष्मी की आराधना करके शुरू किया गया कार्य सफल होंगे और कहीं पर यात्राओं को करने जाने का योजना बना सकते हैं। अपनों के साथ आप कुछ बेहतरीन परिणाम प्राप्त कर सकते हैं जिसकी आपने कल्पना कभी नहीं की थी। लंबे समय से चली आ रही आपकी कुछ बड़ी परेशानियां दूर हो सकती हैं, अच्छे लोगों से मुलाकात हो सकती है और अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। माँ लक्ष्मी की कृपा से संपत्ति से संबंधित जो भी मामले उलझ रहे थे उनसे भी आपको छुटकारा मिल सकता है और आप अपने जीवन साथी से अच्छे रिश्तों को जोड़ सकोगे। आप अपने रिश्तों को बेहतरीन बना सकोगे तथा आप लोगों के द्वारा बनाई गई आर्थिक योजनाएं सफल होंगी। माँ लक्ष्मी की कृपा से आप अपने करियर में तरक्की हासिल कर सकते हैं। आपके घर परिवार में खुशियां हासिल होंगी और आप लोगों का समय माता लक्ष्मी की कृपा से बेहद शुभ काफी अच्छा रहने वाला है। आपके जीवन के समस्याएं संकटें और आर्थिक तंगियों से भी आप लोगों को छुटकारा प्राप्त होंगी। मित्रों आप लोगों को बताना चाहेंगे कि माता दुर्गा की कृपा से कामकाज में आने वाले सभी प्रकार की बाधाएं दूर होंगी, बिजनेस में आ रही परेशानियां दूर होंगी, नए लोगों से मुलाकात हो सकते हैं, आप कोई बड़ा कार्य कर सकते हैं जिसकी वजह से आपकी सभी चिंताएं खत्म होंगी। समय और भाग्य का पूरा साथ प्राप्त होने वाला है। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। कोई भी जोखिम भरा काम करने में सफलता मिल सकती है। पति पत्नी के साथ घूमने फिरने का प्लान बना सकते हैं। आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेंगी। विद्यार्थियों को मेहनत फल मिल सकता है। आपको सच्चा प्यार प्राप्त होने वाला है। आपके जीवन की अधूरी मनोकामनाएं पूरी होंगी। जितना आप दूसरों की भलाई के बारे में सोचेंगे उतनी ही तेजी से प्रगति करते हुए सफलता के नए कीर्तिमान को स्थापित करने में कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। आपके जीवन के सभी प्रकार की विनाशकारी शक्तियों का अंत होगा और भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से आपके जीवन के सारे कष्टों का निवारण हो सकता है। पारिवारिक विवाद और लड़ाई झगड़ों से दूर रहने की आवश्यकता सकती हैं। आप किसी भी मनो